हेलो गाइस, तो आज अपन खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस ये वाला पहला वॉइस ओवर है, तो वॉइस अगर सही नहीं है तो मैनेज कर लेना थोड़ा। और अपन जाने वाले हैं आज लॉस सैंटोस कस्टम, क्योंकि मैंने एक भंगाल से कार खरीदी थी, एक पुरानी सी क्लासिक कार, और मुझे क्लासिक कार का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अभी अपन सबसे पहले सुबह होने देते हैं, तो अभी सुबह हो के फ्रैंकलिन उठ चुका है, अभी जाते हैं अपन फ्रैंकलिन के गैरेज में। मैंने वो कार खड़ी करी थी, तो वही पार्क होगी फ्रैंकलिन के गैरेज में। अभी आ चुके हैं अपन फ्रैंकलिन के गैरेज में, यहाँ पे वो कार है, तो आज इसी कार की मैं बात कर रहा था। ये कार अपन आज जाएंगे लॉस एंजल्स कस्टम्स में मॉडिफाई करवाने के लिए। Let's go! तो ये कार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्लासिक कार मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो इसको गैरेज से बाहर निकाल लेते हैं अपन, और यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गिफ्ट मार दी मैंने, थोड़ी वाली थोड़ी सी कम। तो सबसे पहले तो अपन वे पॉइंट लगा लेते हैं अपने लॉस सैंटोस कस्टम्स का नियरेस्ट वाले, और यहाँ पे वे पॉइंट लगा के अभी चलते हैं अपन लॉस सैंटोस कस्टम्स। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी तो वो भी ना करना, और अपन यहाँ पे जाते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स। तो भाई यहाँ पे लॉस सैंटोस कस्टम जाके अपन इस कार में देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, क्या क्या अपन इसमें करा सकते हैं अपने हिसाब से। और सारी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ मैं आज इस कार के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं, और अभी जाते हैं आगे 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 जाते हैं अपन और लॉस सैंटोस कस्टम में पहुँच के देखते हैं क्या होता है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस कस्टम्स में, और यहाँ पे अपन इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं। तो यहाँ से मेरे को सबसे पहले तो इस कार को अंदर लेना होगा, तो यहाँ से प्यार करना लेते हैं एकदम। तो आ चुके हैं अपन यहाँ पे, तो भाई साहब हमारी कार में मॉडिफिकेशन करानी है। सबसे पहले आर्मर देखते हैं, आर्मर अपन लगवा लेते हैं सबसे बढ़िया वाला, तो आर्मर लगवा लिया है। यहाँ पे अपन लगवा लेते हैं ये, अपन यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। तो अपन को यहाँ पे लगवाना होगा अब की, और यहाँ पे हॉर्न, और हॉर्न लगाने वाले अपन म्यूजिकल में जाके, यहाँ पे गैस टू, तो यहाँ पे गैस टू म्यूजिकल में से लगवा लिया अपन। लाइट और लाइट में जाके हेडलाइट में देखते हैं। हाँ तो हेडलाइट में टॉप लाइट्स हैं, और जेनॉन तो जेनॉन में लगवा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नियॉन लेआउट में सारे लगवा देंगे भाई। खूब पैसा है आगे के पास, खूब मॉडिफाई करा देंगे इसको, पूरी जितनी लगवानी है। और नियॉन कलर में जाके मैं इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू लगवा दिया है, इलेक्ट्रिक ब्लू लाइन लगवाऊँ या फिर ब्लू लगवाऊँ, तो ये बढ़िया लग रहा है। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्लू लगवा देते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक ब्लू देखता हूँ मैं, तो ये रहा, तो मैंने इलेक्ट्रिक ब्लू लगवा दिया है। और अपन इसमें जाते हैं अब, प्लेट में तो कोई काम नहीं है अपना, और अपन यहाँ पे देखते हैं कलर में, क्रोम कलर में करवाएंगे इसको। तो गाइस ये ज़बरदस्त लग रही है क्रोम कलर में, तो अपन ये क्रोम कलर करवा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जाते हैं अपन सब सस्पेंशंस में, एंड लगवा लेते हैं यहाँ पे स्लीक सस्पेंशन, सबसे बढ़िया लगेगा इसके लिए। ट्रांसमिशन में जाके देखते हैं अपन, यहाँ पे ट्रांसमिशन भी स्लीक में मैंने लगवा दिया है, टर्बो ट्यूनिंग भी लगवा देते हैं इसमें सही काम वाली। तो फिर व्हील्स में जाके देखते हैं, तो लगवाते हैं इसमें व्हील्स नहीं, तो यहाँ पे अपन ये वाले व्हील्स लगवा देते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं व्हील सबसे बढ़िया, तो यही सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे। तो मैं देखता हूँ और आगे, वैसे तो और बहुत बढ़िया ही थे, अभी सबसे बढ़िया कौन से है इसमें, ये वाले व्हील देखने पड़ेंगे मेरे को। और अपन ने ये वाले व्हील सबसे ले हैं, कलर्स में जाके देखते हैं, तो आइस वाइट देखते हैं इसमें कलर, तो आइस वाइट नीचे आएगा अपना, और नीचे करते हैं अपन आइस वाइट कलर के लिए। और यहाँ पे आइस वाइट कलर दिख नहीं रहा है, तो मैं
इसमें फॉरेस्ट वाइट ही लगवाने वाला हूँ अभी, इसमें फॉरेस्ट वाइट ही लगवा लेते हैं अपन। और अभी टायर्स में देखते हैं, स्टॉक टायर्स में और कस्टमाइजेबल टायर कर देते हैं इसको। और अभी टायर्स में जाके अपन स्टॉक टायर से कर देते हैं ब्लूटूथ टायर पे। और टायर स्मोक लगवाने वाला हूँ मैं ब्लू, लेफ्ट ब्लू देखते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक ब्लू कहाँ पे है और इलेक्ट्रिक ब्लू कहीं दिख नहीं रहे, तो मैं इसमें ब्राउनी लगवाने वाला हूँ अभी, तो इसमें मैंने ब्राउनी लगवा दी है। तो अब मैं लगवाने वाला हूँ इसमें विंडोज के टेंट देखते हैं, तो लाइट स्मोक सबसे बढ़िया रहेगा इसमें, तो यही टेंट लगवा देते हैं अपन। तो अभी एग्जिट कर जाते हैं, तो अभी देखते हैं इसमें क्रोम कलर मैंने लगवाया था वो लगा नहीं है, तो अभी वापस लेते हैं अभी पहले इसको बैक लेते हैं, फिर अपन इसको एंटर करवाते हैं इसमें वापस से अपना क्रोम कलर का हुआ नहीं है क्योंकि नहीं है तो वो तो होना ही चाहिए। अभी क्रोम कलर करवाने के बाद इसको अपन बाहर लेके जाएंगे और इसकी लुक देखेंगे कैसी है। तो अपन क्रोम कलर पहले प्राइमरी और ये क्रोम लग चुका है अभी क्रोम कलर, तो अभी एग्जिट करते हैं। तो ऑसम लग रही है भाई, तो ये क्रोम कलर के साथ से क्लासिक कार बहुत ही ज़्यादा एपिक सी लग रही है, इसमें लुक आ गई है मतलब उभर के आ चुका है इसका लुक, एकदम ही शानदार हो चुकी है अभी। और अभी सबसे पहले तो जाते हैं अपन आगे की तरफ फ्रैंकलिन के घर पे, और फ्रैंकलिन के घर का रास्ता देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं हो सकी अभी। और अभी वे पॉइंट लगा लेते हैं फ्रैंकलिन के घर के यहाँ पे अपन, तो ये रहा फ्रैंकलिन के घर, यहाँ पे वे पॉइंट लगा लेते हैं अपन। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के घर के यहाँ पे, और अभी आ चुके हैं अपन यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से गैरेज की तरफ और यहाँ पे। तो भाई ये है आज की वीडियो, और ये आपको कलर कैसा लग रहा है, कार कैसी लग रही है कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। आप इस कार पे करवाते हैं तो कौन सा कलर करवाते हैं। और सॉरी थक चुकी है, अभी बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो अपन घर में आंटी को देखते हैं, आपकी आंटी क्या कर रहे हैं, तो योगा ही करती है हमेशा अपना, तो यहाँ पे आज आंटी नहीं है। तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।